दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश। अभी हम यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर, और यहाँ पर अगर व्यू देखें तो अभी हम रोड के किनारे खड़े हैं, और भाई काफ़ी अच्छा सा व्यू मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। बहुत शांत वाला हाईवे मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और अगर हम अपने यूपी के अंदर की बात करें तो यूपी में काफ़ी सारी भीड़ भक्काड़ भी होती है। तो ये जो है सीधा आ रहा हैदराबाद टू बेंगलोर, हैदराबाद टू बेंगलोर वाला हाईवे है। इसी हाईवे पर थोड़ी देर के लिए रेस्टोरेंट में रुके थे हम, और मैं तुम्हें दिखाऊं तो रेस्ट किधर हम कर रहे हैं। थोड़ा सा मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का, और सुबह सुबह देखो सामने दिख रहा है आपको एक छोटा हाथी, यानी कि इधर इस रोड पर अभी कोई भी होटल वगैरह नहीं है। तो जब होटल नहीं है तो इस रोड के अंदर जो भी लोग यानी ट्रेवल करते हैं वो एज ए होटल नहीं, ये एक टेम्परेरी यानी कि छोटे हाथी के अंदर एक अपना स्टॉल खोल रखें। इस स्टॉल के अंदर ही सारा सामान, जैसे कि आपका सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग का जो भी नाश्ता है, चाय पानी, वो सब यहाँ पर हमें बहुत आसानी से मिल जाता है। बट एक चीज़ यहाँ पर मुझे ख़ास देखने के लिए मिली, क्योंकि जो हम लोग यानी कि यूपी वेस्ट के अंदर खाना मिलता है वो बेसिक सी बात है यहाँ पर नहीं मिलता। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अलग अलग डिफरेंट चीज़ें, इडली डोसा, इडली वगैरह वगैरह की जो भी चीज़ें वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें मिल जाती है। अभी देखें तो यहाँ से हम निकलेंगे समथिंग, काफ़ी टाइम हो चुका है यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हुए, अब हम यहाँ से निकलने वाले वैसे। और यहाँ पर हमने इसका एंजॉय कर लिया भाई, कभी आपका आना हो यानी कि हैदराबाद टू बेंगलोर वाला हाईवे है ये, और अब हम यहाँ से चलने वाले हैं। तो क्या हाल है भाई चचा? हाल बढ़िया है, सो गए रात रो रही थी, रात सो गए तो काले सूरत हो गई सूरत भाई साहब, काली भी हो गई, और कुल मिला के